वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम क्लास है 11 अकाउंट, उसका चैप्टर 1 अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, उसका पार्ट 3 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। पहले 7 पॉइंट की डिस्कशन हमने पार्ट 2 में किया था, हम यहाँ पे पार्ट 3 में 8 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि एसेट्स हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एसेट्स का मतलब क्या होता है कि एसेट मीन एनी सच टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब कि एसेट्स मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम उसको बोलते हैं और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। दूसरी बात कि यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है उनके ऊपर जो यहाँ पे ओनर उसको जो हेल्ड करता है और उस पर एक्सपेक्टेशन रखता है कि उससे कुछ ना कुछ उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता रहेगा और भविष्य में उसका बिजनेस चलता रहेगा। तो एसेट्स यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कंसिडर होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट रूल जो है वो हम टाइम के हिसाब से उसके रूल्स आइडेंटिफाई करेंगे। लाइबिलिटीज़ जो रहती है अपनी उसके हिसाब से जो है उनका पीरियड जो रहता है वो 1 साल से ज़्यादा का रहता है, इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं या तो फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट उसमें आ रहा है टेंजिबल एसेट्स, मतलब कि एक ऐसी हमारी प्रॉपर्टी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसके ऊपर हम वर्कआउट कर सकते हैं, तो इसको हम टेंजिबल एसेट्स कहेंगे। नेक्स्ट उसमें है इंटेंजिबल एसेट्स, तो जो एक ऐसा अपनी प्रॉपर्टी जिसको हम कहीं पे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और ना ही उसको हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम टच कर सकते नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है 12 पॉइंट करंट एसेट्स, तो एक ऐसा एसेट्स जिसका टाइम पीरियड जो रहता है वो 1 साल से कम का रहता है, उसका हम कन्वर्ट करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस का वो डे टू डे ट्रांजैक्शन में उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात के करंट एसेट्स जो है वो यहाँ पे उसका एग्जांपल ले तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डिबेटर्स, बिल रिसीवेबल, रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश्ड स्टॉक जो है उसका उसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट उसमें आ रहा 13 पॉइंट लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स जो है वो करंट एसेट्स की सब कैटेगरी है, मतलब उसी का एक टाइप है। करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक को एक्सक्लूड कर सकते हैं तो उसी के बाद जो बचेगा वो लिक्विड एसेट्स रहेगा और इसको हम कैश में डायरेक्टली क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी शॉर्ट पीरियड में अपना हो जाएगा। डेबिटर्स बिल रिसीवेबल जो है उसमें डायरेक्टली हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रियल एसेट्स, तो रियल एसेट्स मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी रियल वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस भी उसको मिलती है। दूसरी बात कि इसकी वैल्यू हम रियलाइज़ कर सकते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों करंट एसेट्स जो है उसका इंक्लूड इसमें होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है 15 नंबर का पॉइंट फिक्सेशियस एसेट्स, एक ऐसी प्रॉपर्टी अपने पास जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसकी रियलाइजेशन वैल्यू है वो जीरो होती है, इसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस वो रहता है और इसका बेनिफिट्स ये है कि वो मोर देन 1 पीरियड, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा उसका बेनिफिट्स जो है उसमें खर्चा में हो सकता है। नेक्स्ट उसमें आ रहा है रिसिप्ट, जब मनी हम रिसीव करते हैं ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब कहीं पे भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तब उसको रिसिप्ट के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। रिसिप्ट यहाँ पे 2 तरीके से क्लासिफाई होती है, एक नेचर जो रहता है रिसिप्ट का वो है रेगुलरली बेसिस पे जब हम उसको रिसीव करते रहते हैं, और एक दूसरा रहता है कि जो पूरे साल में रेगुलरली रिसिप्ट नहीं होता है। बिजनेस में जो रेगुलर बेसिस पे रिसिप्ट मिलती है उसको हम डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई मार्केट में जाते हैं और कहीं पे हम अपने कोई चीज़ें खरीदते हैं तो वहाँ पे पैसे देते हैं तो हमें क्या देता है, रिसिप्ट देता है। तो रिसिप्ट जो जनरेट होती है उसका मतलब वहाँ पे वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कैपिटल रिसिप्ट, तो यहाँ पे एक ऐसी रिसिप्ट जो है वो रेगुलरली बेसिस पे रिसीव नहीं होती है। दूसरी बात के इनका सेल जो एसेट्स का है वो प्रोक्योर्ड हो जाता है और यहाँ पे रिसिप्ट जो है वो यहाँ पे इशू होती है और डिबेंचर के द्वारा इशू होती है। एसेट को हम सोल्ड फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते हैं, डिबेंचर जो है वो यहाँ पे उसको फ्रिक्वेंटली इशू नहीं कर सकता है। दूसरी बात के ऐसी जो रिसिप्ट रहती है इसका जो मतलब ऐसा एक टाइप रहता है जो रिसिप्ट का वो फ्रिक्वेंटली हम रिसीव नहीं कर सकते, ऐसी रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। 18 नंबर का पॉइंट आ रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट, तो उसका जो यहाँ पे रिसिप्ट का जो फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसी रिसिप्ट के द्वारा हम जो प्रॉफिट अर्न करेंगे या तो जो लॉस होगा पूरे साल में वो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता है, उसकी सिर्फ हम यहाँ पे अनुमान ही लगा सकते हैं। दूसरी बात कि ये कैटेगरी के जो रिसिप्ट है उसमें सेल से जो इनकम आती है या तो कमीशन से जो इनकम आती है, डिस्काउंट से जो इनकम आती है या तो रेंट से जो इनकम आती है उनका इंक्लूड इसमें होता है, ऐसी रिसिप्ट जो है वो फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिलती है, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट भी कह सकते हैं। और यही जो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है उसको रेवेन्यू इनकम के रूप में भी पहचाना जाता है। नेक्स्ट उसमें आ रहा है पेमेंट, तो पेमेंट मतलब कि यहाँ पे मनी जब हम पेड करते हैं और उसका जो बिजनेस का एक कॉन्सिक्वेंस निकलता है, मतलब कि रिजल्ट निकलता है, वहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, उसको हम पेमेंट कहते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पहला पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो पेमेंट रहता है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं रहता है, नेचुरली कभी कभी होता है। दूसरी बात की फिक्स एसेट्स पे, ये जब कोई भी चीज़ हम परचेस करते हैं तब कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है परचेस ऑफ मशीन, तब ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि ऐसा खर्चा जो है वो दिखाई देता है और वो कैपिटल के फॉर्म में रहेगा, इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट उसमें आ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब फ्लो रहता है गवर्नमेंट की साइड से पेमेंट का, उसमें वो कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है, और उसमें पेमेंट जो हम करते हैं प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो डिटरमाइन होता है उसी कैटेगरी के अंदर, जो सैलरी वेजेस या टेलीफोन एक्सपेंस जो मतलब जो ये सभी एक्स्ट्रा खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट करने का जो खर्चा है, उनका इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में करना पड़ता है। नेक्स्ट उसमें आ रहा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो एक एक्सपेंस जो है उसको फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। फिक्सेस एसेट्स का मतलब यहाँ पे है कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बनाई जाती है आर्टिफिशियल रहती है, लेकिन एक्चुअली में उसकी रियल कोई वैल्यू होती नहीं है। जैसे कि किसी ने घर में से शॉप में से एक बैंक बना ली और लोग वहाँ पे जाके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो बैंक जो है वो फ्रॉड बैंक है, तो इसी को क्या बोलेगा हम फिक्सेस एसेट्स। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है 23 नंबर का पॉइंट एक्सपेंस, मतलब कि यहाँ पे जो अमाउंट स्पेंड होगा बेनिफिट्स के लिए और ये अवेलेबल रहता है एक साल के लिए, मतलब कि अकाउंटिंग ईयर जो रहता है वो 12 महीने का रहता है, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस भी कह सकते हैं। सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, इसका इंक्लूड इसमें होता है। नेक्स्ट आ रहा है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कि यहाँ पे एक टाइप का टैक्स। तो यहाँ पे जब भी गुड्स और सर्विस हम सोल्ड करते हैं और कस्टमर को वो चीज़ पहुँचाई जाती है, तो यहाँ पे अगर क्रेडिट सेल होता है तो उसमें एक अमाउंट रिसीवेबल बनता है, मतलब कि कस्टमर से ये सेलर तक ये अमाउंट पहुँचता है, तो इसको हम रेवेन्यू बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसमें आ रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन तुमने क्लास 6-7 में भी पढ़ी हुई थी कि भाई सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देगा तो प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अभी तुम क्लास 11 में हो और अकाउंट पढ़ रहे हो तो उसकी डेफिनेशन थोड़ी बदलेगी। यहाँ पे जो हमारे रेगुलर रिसिप्ट जो आती है उसमें से रेगुलर पेमेंट हम डिडक्शन करते हैं और पूरे साल का जो सरप्लस अमाउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लॉस। तो यहाँ पे जो लॉस काउंट करने का तरीका वो प्रॉफिट की तरह ही है। तो डिफरेंस जो मिलता है हमें जो रेगुलर इनकम में से जो डिडक्शन होता है रेगुलर एक्सपेंसेस के फॉर्म में से, उसको हम लॉस बोलते हैं, उसको रेवेन्यू लॉस भी कहते हैं। नेक्स्ट उसमें है गेन। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड गेन आर पॉपुलर नॉन एज सिनोनिम्स, मतलब कि दोनों सेम वर्ड ही है। नेक्स्ट उसमें आ रहा है परचेस, मतलब कि खरीदना। तो बहुत सारी आइटम और सर्विस जो ऐसी रहती है बिजनेस के अंदर जिसको हम खरीदना पड़ता है, और वो एक परचेस किसको कंसीडर करना और किसको परचेस नहीं कंसीडर करना वो दोनों अलग बात रहती है। यहाँ पे खर्चा जो है बिजनेस में वो यहाँ पे पहले हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे गुड्स हम खरीदते हैं परचेस करती है उसको हम परचेस अकाउंट में किसको काउंट करना और किसको नहीं करना है, उसके लिए हम एग्जांपल से उसको समझ सकते हैं। जैसे कि कोई ग्रेन मर्चेंट है जो गेहूँ बेचता है, अनाज बेचता है, अगर वो स्टेशनरी खरीदता है तो यहाँ पे उसका जो स्टेशनरी एक्सपेंस है वो मतलब खर्चा माना जाएगा, लेकिन वो एक ग्रेन खरीदता है मतलब कि गेहूँ खरीदता है तो वो उसका परचेस माना जाएगा। नेक्स्ट उसमें आ रहा है सेल्स। तो बिजनेसमैन जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम जो है उसको यहाँ पे रिसीव होती है, सभी इनकम जो है वो सेल्स के फॉर्म में से आती है ऐसा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे जब गुड्स और यहाँ पे जो सेल होता है सामान का उनको हम सेल में काउंटिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट उसमें आ रहा है स्टॉक। तो जब बिजनेस में कोई भी गुड्स को परचेस करता है बिजनेस पर्पज के लिए मतलब उसको बेचने के लिए, तो एक अनसोल्ड फॉर्म में वो उनको हम गोडाउन में रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टॉक। नेक्स्ट उसमें आ रहा है डेबिटर्स। तो यहाँ पे बिजनेसमैन जो अपने गुड्स को सामान को बेचता है और वो ऑन क्रेडिट पे बेचता है कस्टमर को, मतलब कि वो कस्टमर जो है उसके पैसे जो है जिसको उसने सामान खरीदा होगा वो 10 दिन में 15 दिन है वो अपने पैसा जो है वो हम उससे वापस ले सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे जो कस्टमर है उनको हम डेबिटर्स कहते हैं, क्योंकि उनसे हमें पैसा फ्यूचर में लेना होता है और जो हम ऑन क्रेडिट पे उसको हम चीज़ें बेचते रहते हैं। तो डेबिटर्स यहाँ पे करंट एसेट्स के फॉर्म में भी ट्रेडेड किए जाते हैं, मतलब कि उसको हम करंट एसेट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट उसमें आ रहा है बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल जो है उसमें डॉक्यूमेंट एक रहता है, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है दो पार्टी के बीच का, जिसमें एक राइटर रहता है जो ये बिल को लिखता है और दूसरा जो उसको एक्सेप्ट करता है, उसमें पूरे राइट्स रहते हैं और थोड़े सर्टेन अमाउंट उसमें लिखा होता है जिसको फ्यूचर के अंदर पे करना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बिल रिसीवेबल कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें आ रहा है रिसीवेबल। तो अमाउंट जो है वो बिजनेसमैन जो रिसीव करता रहता है पर्सन टू पर्सन, मतलब कि फ्यूचर में उनको पेमेंट मिलता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं रिसीवेबल। नेक्स्ट उसमें आ रहा है क्रेडिटर्स। तो बिजनेस जिसमें हम ऑन क्रेडिट पे जो है अपना सामान खरीदते रहते हैं सर्विस खरीदते रहते हैं, तो उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, जिसको हमें बाद में मतलब फ्यूचर में उनको पैसा देना होता है, मतलब कि हमारा हम ओनरशिप में मानो कि है और हम किसी और से गुड्स खरीदते हैं बेचने के लिए, तो जैसे कि वो होलसेल भी हो सकता है, तो होलसेल वाले शॉप को हम यहाँ पे क्रेडिटर्स के फॉर्म में कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसको जो अपना अमाउंट है गुड्स का वो बाद में ऑन क्रेडिट पे देना पड़ता है, तो उनको करंट लाइबिलिटीज़ के फॉर्म में हम क्रेडिटर्स को कंसिडर
करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है बिल पेएबल। तो यहाँ पे एक रिटन डॉक्यूमेंट है, वो उसमें दो पार्टी रहने वाली है, एक बिल लिखने वाली और दूसरी बिल एक्सेप्ट करने वाली। बिल एक्सेप्ट करने वाली पार्टी है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये बिल पे करना पड़ेगा। उसकी डेट उसमें पहले से डिटरमाइन की हुई होती है, फ्यूचर में वो डेट रहती है। और दूसरी बात की उसी टाइम पर उसको बिल जो पे करना होता है, इसलिए उसको बिल पेएबल कहते हैं। नेक्स्ट उसमें आ रहा है पेबल। तो पेबल मतलब कि यहाँ पे बिजनेस पर्सन जो है वो फ्यूचर में हमें पैसा जो है वो पर्सन टू पर्सन देना है। तो एक बात यहाँ पे याद रखनी कि एक फिक्स अमाउंट रहेगा जिसको हमें दूसरे लोगों तक तो पहुँचाना पड़ेगा, तो बिल पेबल में कंसीडर होगा। नेक्स्ट उसमें आ रहा है 37 नंबर का पॉइंट जो है कॉस्ट। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ को प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने के लिए या तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा खर्चा होने वाला है उस सम को बोलेंगे हम, मतलब कि जो एक्सपेंस रहने वाला है उसका सम जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो जैसे कि कोई ऑफिसर से जो जॉब पर जा रहा है और उसमें वो पेट्रोल डलवाता है अपनी बाइक में, तो उनके लिए जो एक एक्सपेंस जो है कंसीडर होता है वो खुद को पे करना होता है, तो वो कॉस्ट में कंसीडर होता है। तो ये था यहाँ पे पार्ट 3 स्टूडेंट्स। पार्ट 4 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसी तरह से एजुकेशन के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक लाइक ज़रूर दे देना, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है। ओके, तो रिवाइज़ करते रहना। थैंक यू ऑल।